नमस्कार, मैं हूं नीलेश मालवीय और आप देख रहे हैं उज्जैन से पब्लिक लाइव। नगरीय निकाय चुनाव के इस दौर में चुनाव प्रचार की धूम है। आज महाजनसंपर्क है, वार्ड क्रमांक 2 में हमारे साथ मौजूद है क्षेत्रीय उम्मीदवार जो कि निर्दलीय केक से चुनाव लड़ रहे हैं, सुधीर सांकला जी, जो कि बहुत ही यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है और यहाँ जनता का भरपूर समर्थन इन्हें प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं क्या क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे यहाँ पर। सर, मेरा क्षेत्रीय मुद्दा तो मेन ये है कि जो सिंहस्थ के नाम पे भय व्याप्त है, उस भय से मुक्ति दिलाना है जनता को उस भय से मुक्ति दिलाना है। भय का जो माहौल पूरा बना दिया गया था यहाँ पर, बहुत बड़ा माहौल बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। उस मुद्दे को हल करना है और उस भय से मुक्ति दिलाना है। तो मतलब जनता को किसी प्रकार के उनके मकान नहीं टूटेंगे, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे, ये बिल्कुल आपका वादा रहेगा। किसी भी प्रशासन में इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि हजारों की संख्या में मकान तोड़ के वो लोगों को अनाथ कर दे, किसी भी सरकार में ये ताकत नहीं है। और ये जो मकान है सिंहस्थ क्षेत्र में आते हैं ऐसा उनका कहना था, लेकिन यहाँ पर कभी उनके मकान की जगह पर कभी सिंहस्थ लगा नहीं है। नहीं, सिंहस्थ वाले सभी अधिकारियों को सिंहस्थ का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए कि कहाँ सिंहस्थ लगा है और कहाँ नहीं लगा है, उसके बाद इन सब चीज़ों पर निर्णय लें। एक छोटी सी जगह उसके अंदर 2-4 हज़ार मकान बने हैं, उनको तोड़ने से क्या पूरे सिंहस्थ में लाभ हो जाएगा? उस जगह को छोड़ के आपको अपना सिंहस्थ लगाना चाहिए। और ये सारे मकान जो है सब गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के हैं, बहुत गरीब है। लॉकडाउन में इनकी स्थितियां बहुत खराब थी और इनके लिए रोजगार के माध्यम भी चुन रहा हूँ। बाकी सिंहस्थ में जो इनका भय है, उस भय से इनको मुक्ति दिलाना है कि इनके मकान नहीं टूटेंगे और नहीं टूटने दूंगा। तो भाई साहब का कहना है कि सिंहस्थ क्षेत्र के नाम पर यहाँ जो माहौल खड़ा किया गया है, भय का माहौल जो यहाँ के गरीब लोगों में है, उस माहौल से इनको, भय के माहौल से मुक्ति दिलाना चाहेंगे और ये इनका एक वादा है।